सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री की। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री की। हमारे पास गिनती के अब दिन बचे हुए हैं, लास्ट 4 महीने अब हमारे पास बचे हुए हैं। इससे पहले हम लोग बहुत सारे वीडियोज बना चुके हैं, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या बायोलॉजी पर। लेकिन अब चीजें बहुत सारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब मात्र हमारे पास 4 महीने बचे हुए हैं। अक्टूबर से बच्चे लोड लेना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक जो चीजें आपकी चल रही थी वो चल रही थी, बट अब 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। ऐसे में आप अपना माइंडसेट पूरा चेंज कर लीजिए। अब जो चीजें चल रही थी, जो चीजें होनी थी हो गई, जितनी हमसे मिस्टेक होनी थी हो गई। अब बिल्कुल पूरा फोकस आपके स्टडी पर होना चाहिए। तो इसलिए केमिस्ट्री का ये वीडियो फर्स्ट हमारा होने जा रहा है 4 मंथ सीरीज में। तो 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, कैसे करके हम लोग बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यार केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में आप लोग कैसे 4 महीनों में 95% की तैयारी कर सकते हो, इस पर ये वीडियो होगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आप लोग सभी, क्योंकि अब आपको जो चीजें हम बताने वाले हैं ये चीजें आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेटेजी बताते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होती है। ठीक है, हवा में बात करते हैं कि यहां से ऑब्जेक्टिव कर लो, यहां से ये कर लो, लेकिन नहीं कैसे करें ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन हम आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब कहां से आपको चीजें कैसे करनी है सब कुछ बताएंगे यार, कंप्लीट पैकेज होगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, बट हमारा ये जो वीडियो रहेगा ये मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। जो चीजें आप देखोगे वो इंग्लिश मीडियम के रिलेटेड होगी, बट हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए अलग से वीडियो भी हम बनाएंगे, जहां पर रसायन शास्त्र की कंप्लीट बात करेंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। बट अभी इंग्लिश मीडियम के लिए होने जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हो वीडियो को, सीख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे कोई पढ़ाने वाले नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जहां पर हमारे चैप्टर आते हैं सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा केमिकल काइनेटिक्स। सरफेस केमिस्ट्री अब रिड्यूस हो चुका है, तो 3 हमारे चैप्टर्स यहां पे आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चालू होती है डी एंड एब्लॉक एलिमेंट से। डी एंड एब्लॉक एलिमेंट करने के बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ना पड़ता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये आपके किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर चालू होती है सबसे मुश्किल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंसते हैं और जहां पर डिसाइड होता है कि कौन टॉप करेगा कौन टॉप नहीं करेगा, कौन अच्छे मार्क्स लाएगा कौन नहीं लाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ पड़ती है ऐसे स्टूडेंट को जिनके बेसिक क्लियर नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं यार। कौन कौन से हैं 4 चैप्टर्स? तो पहला चैप्टर हमारे पास आता है हेलो एल्केन हेलो एरीन। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है एल्कोहल फिनोल ईथर। फिर हमारा चैप्टर आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमारे पास आता है आमीन वाला चैप्टर, जिसका नाम अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है। आमीन चैप्टर भी है, किसी में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत छोटी है, जो कि हमारे पास है, जिसमें एक ही चैप्टर है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो 4 सेक्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है, 4 सेक्शन हमारे पास होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके ऊपर, सबसे पहले बात करते हैं हमारी फिजिकल केमिस्ट्री पर। फिजिकल केमिस्ट्री देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग ज्यादा लोड मत लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करने हैं, ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे करें, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस ना करें। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के आप लोग उठा लो, मॉडल पेपर के उठा लो, या फिर आप लोग ले सकते हो त्रैमासिक अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड एग्जाम के। ये आपने कर लिए सारे, तो इतना काफी है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार बताएंगे कैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउनलोड करना है, कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहां पे आपको लोड लेना है कहां पे लोड नहीं लेना है, पहले ये बता रहे हैं हम आपको। तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, जहां से हमें न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव्स इजी आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इजी ही आते हैं। जो चीजें हो चुकी है वही रिपीट होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारी कोई दिक्कत नहीं देगी। फिर आती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले एक बात समझ लेना आप लोग सभी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिमाग से निकाल दो कि बहुत लेंदी है। कोई लेंदी नहीं है, आप चाहो तो 2 दिन में खत्म कर सकते हो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। हमने 1 शॉट वीडियोस बना रखे हैं, एडुस्टेट ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आपको बताएंगे कैसे आप लोग 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो। इतना आपने कर लिया ना, 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के वीडियोस होंगे मुश्किल से। 4 घंटे अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आई 1% की भी। यहां पर भी जो चीजें हैं वो रिपीट होती है, बट रिपीट होती है कैसे, घुमाकर। यहां से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो वही बच्चे कर पाएंगे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, जो क्लास 11th की चीजें हैं वो भी यहां पर क्लियर करा दी। बहुत छोटे चैप्टर्स हैं यार, 4 घंटे में 2 चैप्टर्स आपके कवर हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो बात हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी, कि भैया फिजिकल जो अपना डी एंड ब्लॉक एलिमेंट है वो भी कोई दम वाली बात नहीं है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड तो बहुत छोटा है, कुछ चीजें हैं वही चीजें आपको पढ़नी है, वही चीजें रिपीट होगी, बस घुमा फिरा के पूछी जाएगी। और घुमा फिरा के कैसे पूछी जाएगी वो भी हमने बता रखा है वन शॉट वीडियोज में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जरा छोड़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पर बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास एक ही चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स। तो आप लोग सभी सुन लीजिए एक बार फिर से, बायोमोलिक्यूल्स हो गया या फिर अपन ने जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, ये एमपी बोर्ड के हिसाब से आप लोग पढ़िएगा, सीबीएसई के अनुसार मत पढ़िएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एमपी बोर्ड पूछता नहीं है, बहुत सारी फालतू चीजें पढ़ाते हैं। इवन परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन में भी बहुत सारी फालतू चीजें दे रखी है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो फालतू की है, बस टाइम वेस्टिंग है। इनमें अगर आप लोग 10-15 दिन से ज्यादा टाइम देते हो तो ये आप मूर्खता कर रहे हो। 3 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर में आपको मुश्किल से मुश्किल 10-12 दिन बहुत है, इससे ज्यादा टाइम तो आप देना ही मत। अगर इससे ज्यादा टाइम भी आप दे रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको जो मेन टाइम देना है, मेन टाइम वो देना है आपको किस पर, वो टाइम देना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। मैं आप सभी से बोलूंगा यार, अगर ऐसे स्टूडेंट जो 95 की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 महीने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से दे दो। अच्छे से मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से झोंक दो अपने आप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। भूल जाओ कि हमारे पास केमिस्ट्री में कोई और सेक्शन भी होता है, सिर्फ ये मानो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने 2 महीने अच्छे से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दिए तो आपके 95% आप लोग लिख के ले लो कि आपके 95% बन रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हम, ये वास्तविकता है। बहुत सारे बच्चों ने 2 महीने 1 महीने के अंदर अंदर भी केमिस्ट्री में 95% निकाले हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो कि लास्ट ईयर पढ़े थे उन्होंने ऐसा करके दिखाया है, आप लोग भी कर सकते हो। देखिए यार, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको बता दिया कहां से आते हैं, इसके अलावा हमने आपको यह भी बता दिया टाइम कहां पे देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सुन लीजिए आप लोग सभी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइंड मैप रेडी है एडोस्टेट ऐप के ऊपर। एडोस्टेट ऐप के ऊपर हमारा कंप्लीट कोर्स है केमिस्ट्री का एक कंप्लीट कोर्स है, जहां पर हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो वन शॉट वीडियोस हो हर एक चैप्टर के, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट तैयारी हो। इवन लाइव क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे, अभी तक हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल है। इसके अलावा यार एक चैप्टर हमारा बाकी है आमीन वाला, जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे और फिनिश भी कर लेंगे नेक्स्ट वीक में। आमीन वाला चैप्टर हमारा बाकी है, तो लाइव क्लास वहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इसके अलावा माइंड मैप के ऊपर फिर से बता दें, पूरी एमपी बोर्ड में, कंप्लीट एमपी बोर्ड में, या फिर आप सीबीएसई उठा लो, आपको माइंड मैप इससे बेस्ट नहीं मिलेंगे। सबसे बेस्ट माइंड मैप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीजें हैं यार। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले 12 से 15 सालों के ऑब्जेक्टिव्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं परीक्षा बोर्ड के। परीक्षा बोर्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, लेकिन आपको कौन से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, इवन हमने वीडियोस बना रखे हैं यार कि आपको ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको एक्सप्लेन कर रखा है कंप्लीट, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये कैसे इसका आंसर आया, क्यों आया, सब कुछ हमने वहां पे बता रखा है। तो हमारी ऑब्जेक्टिव की सीरीज भी एडोस्टेट ऐप के ऊपर चल रही है, तो सारी चीजें एडोस्टेट ऐप के ऊपर मिल जाएगी आपको केमिस्ट्री के कोर्स में। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कहीं कोचिंग जा रहे हैं, कि आप कुछ अलग चीजें कर रहे हैं, अपने खुद से कर रहे हैं, वैसे तो कोर्स का प्राइस बहुत कम है यार। पहले 400 रुपए था, अब मात्र आपको 300 रुपए में, 299 रुपीज में केमिस्ट्री का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 299 रुपीज में। एक और बात, अब आपको जो कॉम्बो कोर्स है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश हिंदी बायोलॉजी जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ आपको मिलेगा कॉम्बो कोर्स में। कॉम्बो कोर्स का प्राइस पहले 999 था, मतलब 1000 रुपए था, अब आपका ये जो प्राइस है वो 699 हो चुका है, 699। तो ये ऑफर अभी चल रहा है, 4-5 दिन चलेगा ये ऑफर, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स चाहते हो जिसमें आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाए, तो अब आप लोग कॉम्बो कोर्स परचेस कर सकते हो मात्र 699 रुपीज में। ठीक है, तो बढ़िया सी बात आपको हमने बता दी, बिल्कुल यार आपकी प्रॉपर तैयारी कराएंगे। 4 महीने में रिविजन सेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। रिविजन सेशन में आप लोग खुद से भी कैसे कर सकते हो वो बता देते हैं। देखिए, अगर आप लोग YouTube से पढ़ रहे हो
हमने आपको बताया कि किन चीजों में आपको एमपी बोर्ड के चैनल को फॉलो करना है। आपको डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इनमें तीनों में आपको सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड के यूट्यूब चैनल्स को ही फॉलो करना है। ठीक है, हमारा चैनल है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, बाकी तो चैनल क्या ही कर रहे हैं आप लोग भी जानते हो। तो ये चीजें हैं, ये जो तीन चैप्टर्स हैं ये आपको एमपी बोर्ड के चैनल से पढ़ने हैं। बाकी चैप्टर आप चाहो तो एमपी बोर्ड से पढ़ो, बाकी आप चाहो तो कहीं और से पढ़ लो। आप अगर स्मार्ट हो तो आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, बट टाइम लगेगा आपको और टाइम अब आप हमारे पास है नहीं। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा यार, एमपी बोर्ड के जो यूट्यूब चैनल है उनसे ही आप लोग पढ़ो। और एमपी बोर्ड में आपको पता है इंग्लिश मीडियम में सिर्फ हमारा चैनल है जो आपको कंप्लीट तैयारी कराता है, बाकी सभी हिंदी मीडियम में तैयारी कराते हैं। तो ये रहेगा। और क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जितना हो सके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे टाइम देना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्मार्ट वर्क करना है, चीट शीट का पूरा फॉलो करना है, चीट शीट फॉलो करना है, जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाए उसके बाद रिवीजन करना है। रिवीजन के वीडियोस भी वैसे तो हमने वहां पे प्रोवाइड कर रखे हैं कोर्स के अंदर। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए हो जाएगी, हम सभी को नोट्स अब नहीं बनाने हैं। नोट्स जितना हो सके अवॉइड करो, जितना हो सके प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे यार, हो सकता है आपको कोचिंग से प्रोवाइड की हो किसी कोचिंग से, बाकी हमारे नोट्स आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। हमारे नोट्स भी एडुस्टेट ऐप पे ही मिल जाएंगे, उसी कोर्स के अंदर हमारे प्रीमियम नोट्स हैं। वैसे तो हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए कर रखा है कि सभी लोग ये नोट्स को फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई चार्ज हम नहीं रख रहे हैं। ठीक है, नोट्स आप लोग सभी फ्री ऑफ कॉस्ट व्यू कर सकते हो, बट डाउनलोड आप लोग नहीं कर सकते यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इन नोट्स में। अगर कोई डाउनलोड करता है और कहीं लीक हो जाता है तो इसमें हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए हम ये नोट्स को आपको डाउनलोड करने की परमिशन नहीं देते हैं, व्यू करने की परमिशन देते हैं। तो आप लोग चाहो तो खुद से नोट बनाओ, अगर आपको नहीं भी बनाना है तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दे रहे हैं उसको आप लोग प्रिंट आउट करवा लो, इतना काफी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको सारी की सारी चीजें बेसिक से क्लियर हो गई होगी। ऑब्जेक्टिव की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे खासकर केमिस्ट्री में अगर आप लोग पीवाईक्यू 12-15 साल के कर लेते हो, अच्छे से परीक्षा बहुत अच्छे से कर लेते हो तो इतना काफी है। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में इतने बाहर से नहीं आते जितने फिजिक्स में आते हैं। तो आपको फोकस करना है किसके ऊपर, आपको फोकस करना है ऑब्जेक्टिव्स किससे करना है, परीक्षा बोर्ड के सारे कर लो जो हमने करवा चुके हैं, हमने टिक भी लगाए कि कौन से करने कौन से नहीं करने, वही ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार कीजिए। बाकी और क्या बताया आपको हमने, प्रीवियस ईयर के 15 साल के ऑब्जेक्टिव्स हम तैयारी करवा रहे हैं अपने कोर्स में, तो ये सारी चीजें रहेगी यार। बाकी यूट्यूब पर वीडियोस हैं हमारे, पुराने वीडियोस हैं, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हो। बाकी यार 300 रुपये का कोर्स मुझे नहीं लगता आपके लिए महंगा होगा, बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि 300 रुपये बहुत ज्यादा है आपके लिए, आप नहीं कर सकते अपनी स्टडी पे खर्च, तो आप यूट्यूब पर पढ़ाई कर सकते हो, हमारे चैनल पर पुराने वीडियोस हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सी चीज रिड्यूस हुई है कौन सी चीज रिड्यूस नहीं हुई है, बाकी तो आप लोग सभी समझदार हो। ये सारी चीजें थी, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब एक और चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, हर एक सेक्शन जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे कर सकते हो, इसके अलावा न्यूमेरिकल की तैयारी कैसे कर सकते हो, इन पर भी अलग अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी चीजें कवर कर पाना मुश्किल होता है। चलिए, तो ये सारी चीजें थी, आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।